हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये ग्रेट क्ले है जो मैंने पहले एक दफ़ा उसका ट्यूटोरियल किया था, उसको डिप किया था, तो तब से मैंने इसको एक पैकेट में डाल के रखा हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं किस कदर मतलब अभी भी वेट है, क्योंकि मसल ऐसा है। हालांकि अगर मैं इसको खुला रखती तो ये अब तक सूख कर पत्थर पत्थर हो चुकी होती, लेकिन चूँकि अभी ये गीली है, क्योंकि मैंने इनकी शॉपर ना बंद कर दिए थे और इनको कमरे में रख दिया था। अगर इनको ओपन एयर रखती तो जितनी हीट आजकल गर्मियों की वजह से मतलब सेल में होती है, तो ये बहुत जल्दी विद शॉपर में भी मतलब अंदर पैकेट में भी ये सूख जाएंगी, अगर ये नहीं सूखी। तो अभी मैं इसके लिए जस्ट क्रम्बल कर रही हूँ आपके सामने। अभी आप देखिएगा कि किस कदर ये स्मूथ और कितने बड़े ये ब्लॉक्स में ऑटोमेटिकली बन रही है और कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए जैसे कभी मैं आपके सामने निकाल रही हूँ, देखिए किस कदर खूबसूरत ये पूरा पीस ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे ही बना हुआ था, लेकिन चूँकि ये इसी शेप में पड़ा हुआ था तो उसी शेप में ये ढल गई। क्ले जो हुई, क्ले को जिस हाल में जैसे भी मोल्ड करो आप वो हो जाती है। तो इसकी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो क्रम्बल की मैंने पहले से ही अलहदा करके डाल दी और वो भी आ जाएगी आपके सामने। तो अभी इसकी ये जो है क्रम्बलिंग में आपके सामने साथ में थोड़ी सी गपशप कर रही हूँ, थोड़ा सा खामोश भी हो जाऊँगी। बड़ी मज़े की मुझे भी लग रही थी जब मैं इसको कर रही थी। और मैंने इसको पानी में भी किया, बड़ा मज़ा आया पानी में भी करने का। और ये है कि अब इसको भी मैं इसका भी प्रोसीजर आपके सामने करती चली जाऊँगी। ये मतलब है तो नहीं अब किसी काम की, एक खाने लायक तो नहीं रही, मतलब खाने में मीन्स क्रंच के लायक तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब मज़ा आ रहा है। बस जस्ट इसको फन के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसको खेलने के लिए, इसकी कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है, किसी भी शेप में इसको किया जा सकता है। नीट एंड क्लीन करने के बाद यानी स्मूथ क्ले बन जाए। तो डो के साथ मैं पहले भी बहुत सारी चीज़ें बनाया करती थी, तो इससे अब भी बन सकती हैं। तो मैंने सोचा चलो इसको फेंकना ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा सारी है तो इसको क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए। तो आज मैंने इसको भी निकाला, तो मैं इसको वाटर क्रम्बल कर लूँ, देखिएगा। जिन लोगों के पास इतनी क्वांटिटी में क्ले होगी वो भी इसी तरह सम टाइम खेलते होंगे और इससे खेलने का मज़ा भी बड़ा लगता है। ये कोई आम मट्टी थोड़ी है कि जिसमें रेत और किलक वगैरह हो, ये तो बड़ी स्मूथ सी होती है, गाची है। गाची के साथ ना सिर्फ खाने का या क्रंच करने का इंजॉयमेंट होती है, इसके साथ वैसे भी बहुत से फन होते हैं, जिसके साथ अगर आप हाथों से खेलने लगो आपको काफ़ी देर गुजर जाती है इसको छोड़ते ही हो। मैंने वीडियो बनाने के बाद भी कितनी देर इसको वाटर क्रम्बल के साथ ही जो उसका टेस्ट सा है उसके साथ खेलती रही, इवन कि अभी भी ये पानी में डिप ही पड़ी हुई है। तो मैं इसको आते जाते पानी में ये हाथ में मार के इसको ब्लेंड करती हूँ, मिक्स करती हूँ, फिर उसके बाद छोड़ देती हूँ। तो फिर पानी में मिक्स हो जाती है, फिर जब दोबारा देखती हूँ कई घंटे के बाद वो सारा पानी बैठ जाता है, नहीं क्ले बैठ जाती है, सारी काची नीचे बैठ जाती है और ऊपर साफ शफाफ पानी होता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस कदर खूबसूरत लगता है वो नज़ारा कि क्ले नीचे बैठी हुई है और पानी ऊपर। तो
बाकी इस तरह के लोगों को भी बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। शायद मैं के लवर हूँ और बाकी किसी का मैं कुछ कह नहीं सकती, होता यही है वैसे मक्खी के साथ खेल, जिनको लगाओ हो वो इसी तरह खेलते हैं। तो आप लोग अपनी रिक्वेस्ट मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाऊँ, और अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट कीजिएगा मेरी वीडियोस को, लाइक करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने नहीं किया। और ये जस्ट क्ले लवर्स के लिए मेरी वीडियोस होती हैं, सिर्फ वही देखा करें, जिनको नहीं पसंद वो ना देखा करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, स्किप कर दे, स्क्रॉल कर दे, लेकिन यह है कि अच्छे कमेंट्स किया करें, अच्छी बात किया करें, क्योंकि अच्छी बात जो होती है ज़रूरी नहीं है कंटेंट ऐसा हो तो अच्छी बात नहीं की जा सकती, अच्छी बात हमेशा सबकाई जारी होती है। तो ये है कि हम काम जो मर्जी हो मुँह से अच्छी बात बोलो,